हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। आप सभी साथियों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर मैं आपके सामने हूँ और प्यारे साथियों, मैं 8 मॉक टेस्ट करा चुका हूँ और आज आपके सामने लेकर हाजिर हूँ 9वां मॉक टेस्ट। और प्लीज़ गाइस, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि केवल मैं एयरफोर्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, प्यारे साथियों ये नेवी के मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, डबल ए और SSR के भी करा रहा हूँ और एयरफोर्स के भी करा रहा हूँ, ये कोस्ट गार्ड के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो प्लीज़ गाइज, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और यहाँ एक बात कन्फ्यूज करेगी थोड़ा सा कि सर ये 8वां मॉक टेस्ट है कि 9वां है। ये एक्चुअली मैं PDF में इसका लिखा हुआ 8वां, बट एक्चुअली ये 9वां सीरीज है। 8 में अपलोड कर चुका हूँ तो प्लीज़ इसमें कन्फ्यूज ना हो। मैं जो PDF सेंड कर रहा हूँ ये 9वां पेपर है और यहाँ पे हम लोग 9वां इसलिए लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये मॉक टेस्ट होने वाला है 9वां, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए, और प्लीज़ एक चीज़ और मुझे यहाँ कहनी होगी, आप लोग ये नहीं मुझे बताते कि सर ये सीरीज बेनिफिशियल है कि नहीं है। थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ यदि आपके पास टाइम है तो कमेंट बॉक्स में एक मिनट का टाइम निकाल करके ये ज़रूर लिखिएगा कि सर ये सीरीज़ बहुत बेनिफिशियल है और आप इसे कंसिस्टेंटली चलाते रहिएगा। मतलब सर इसे कंसिस्टेंटली बंद मत करिएगा, इसे कंटिन्यूस रखना है, तभी मैं इसको रख पाऊँगा। अदरवाइज आप नहीं करेंगे तो प्यारे साथियों मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए और सीधे चलते हैं। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं सर आप ये सीरीज़ कब तक कराएंगे। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि जब तक आपका पेपर होगा ये कंसिस्टेंटली चलते रहेंगे, चाहे 150 पेपर्स हो जाएं, 200 पेपर हो जाएं, 250 पेपर हो जाएं, मैं कंसिस्टेंटली चलाऊँगा, ठीक है। पैसेज भी चलता रहेगा और पेपर और वोकैबुलरी, ओके। चलिए तो सर पहले क्या है, यहाँ पर पैसेज को स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पैसेज दिया गया है, बहुत ही सिंपल पैसेज है, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इन द डेज बिफोर द डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेटिक्स, ओके, किसकी बात हो रही है, कितने दिनों से पहले की। सर इन द डेज, उन दिनों की बात है, किससे पहले, जब सर इसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। किसकी सर, इसकी शुभारंभ, डिस्कवरी का मतलब होता है खोज, किसकी, एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स का मतलब होता है, आपको पता होगा आज के टाइम पर जब आपको कोई भी बड़ा ऑपरेशन करना होता है तो आपको एक इंजेक्शन लगाया जाता है और आपको बेहोश कर दिया जाएगा, या फिर आपकी बॉडी को क्या कर दिया जाता है, पूरी तरह से ब्लड सर्कुलेशन को रोक दिया जाता है। मतलब सर आपको बिल्कुल पेन फील ही नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, जैसे आप बोलते हैं कि सर बेहोश कर दिया गया है, या फिर उसके क्या कर दिया गया है, उसकी पूरी तरह से बॉडी अब एक्टिव नहीं होगी, उसे दर्द फील नहीं होगा। तो ये बताया जा रहा है कि एनाथेसिया होने से, इसको एनाथेसिया बोलते हैं, एनेस्थेटिक्स की खोज होने से पहले वेरियस मेथड्स, कौन कौन से मेथड सर जी, एक हिंदी में आपने सुना होगा एनेस्थेटिक्स के, सर शरीर को, बॉडी को सुन्न कर दिया गया है, मतलब सर हम इसे लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं इस तरह से, ठीक है ना। इससे पहले वेरियस मेथड्स यूज किए जाते थे टू कीप द पेशेंट, मतलब मरीज को क्वाइट माने चुप कराने के लिए ड्यूरिंग एन ऑपरेशन। मतलब सर जब तक इससे पहले, बेहोशी करने से पहले मरीज को क्या करना पड़ता था, कीप द पेशेंट क्वाइट ड्यूरिंग एन ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान चुप कराने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं, और उनमें से एक क्या था, टू नॉक हिम सेंसलेस, उसे क्या कर दिया जाता था, टू नॉक हिम सेंसलेस, वन वाज टू नॉक हिम, एक उनमें से यह था कि पूरी बॉडी को सेंसलेस कर दिया जाता था, और टू नॉक हिम इस तरह से उसे मतलब किया जाता था कि वो पूरी बॉडी, और उसके लिए क्या करते थे, ड्यूरिंग मैनी ऑपरेशंस, बहुत सारे ऑपरेशंस के दौरान क्या होता था, सेवरल स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट, बहुत सारे जो स्ट्रॉन्ग, मतलब साथ में जो डॉक्टर के काम करने लोग होते थे, वो पेशेंट को हेल्ड का मतलब है पकड़ लेते थे, डाउन पेशेंट डाउन वाइल द सर्जन, जब सर्जन क्या कर रहा होता था, डेड, जब भी जो डॉक्टर का मतलब है यहाँ सर्जन बोला गया है, कोई भी सर्जन जो डॉक्टर था सर्जरी करता था, हिज बेस्ट और वर्स्ट, जो भी अपना अच्छा या बुरा कर सकता था वो उसको पकड़ लेते थे, और जिससे उसे दर्द ना हो या वो चिल्लाए नहीं, और ऑन द बैटल फील्ड, बैटल फील्ड का मतलब यहाँ युद्ध क्षेत्र नहीं है, यहाँ बात की जा रही है ऑपरेशन के टाइम पर, जब वो काम हो रहा है वो डॉक्टर के लिए युद्ध क्षेत्र कहलाएगा, द सर्जन माइट हैव टू एम्प्यूटेट, और सर्जन को क्या करना पड़ता था, काटना पड़ता था अ सोल्जर्स लेग, एग्जैक्टली, सोल्जर का मतलब यहाँ सिपाही, मतलब सपोज करो युद्ध क्षेत्र पर क्या हो जाता था, किसी सिपाही का कोई चोटिल हो जाता है, तो अब तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसे दर्द फील नहीं होने देते, लेकिन उस टाइम पर सोल्जर की टांग को ही क्या करना पड़ता था,
काटना पड़ सकता था क्योंकि और कोई उपाय नहीं थे। द स्टम्प वाज देन प्लंग्ड, और उसके बाद क्या डाल दिया जाता था, जैसे आप बोलते हैं सर पैर में सरिया डली है, स्टम्प टाइप का, इसी तरह से प्लंग्ड मतलब ये अंदर कर दिया जाता था इनटू अ बकेट ऑफ, हाँ हाँ, स्टम्प वाज देन प्लंग्ड, और जो आपका स्टम्प था देन प्लंग्ड इनटू अ बकेट, एक बाल्टी में हॉट लिक्विड टार, हाँ, जो आपका शरीर पीड़ित जो पार्ट होता था काटने के बाद, उसको सर बाल्टी में हॉट माने बहुत ज़्यादा गर्म लिक्विड का जो टार होता था, कोई लिक्विड टाइप का, उसमें डाल दिया जाता था। विच स्टक टू द वाउंड, जो घाव को क्या करता था, पूरी तरह से घाव को जला देता था, एक तरह से स्टक सोख लेता था, और सर उसके बाद क्या होता था, स्टॉप द ब्लीडिंग, और खून बहना क्या होता था, बंद हो जाता था। मतलब कितना दर्दनाक होगा आप सोचिए। और सर नो वंडर, और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ऑर्डिनरी पीपल हेटेड हॉस्पिटल्स, इसलिए पुराने टाइम पर लोग क्या है हॉस्पिटल जाना उसे घृणा करते थे, एंड ड्रेडेड डॉक्टर, और डॉक्टरों से डरते थे। समझ में आया होगा आई होप, ये कब की बात चल रहे हैं, नॉर्मल पैसेज है, बट आप इसमें तुक्का लगाओगे तो सर नहीं कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा सा इसकी जो वोकैबुलरी वर्ड है वो थोड़े से कन्फ्यूज हैं, जो इसकी एटमोलॉजी है वो थोड़ी सी टफ है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि पैसेज क्या है। ये बात की जा रही है कि जब हमारे पास मेडिकल ऑपरेशंस अच्छे नहीं होते थे तो मजबूरी में बंदा सामने जिंदा होता था और उसका टांग वगैरह काट दिया जाता था, और कितना पेन होता होगा आप सोचिएगा। तो पैसेज ये बताइए पूरा प्राइमरली किसके ऊपर है, पूरा पैसेज प्राइमरली कंसर्न्ड विद प्रॉब्लम ऑफ वारफेयर, नहीं युद्ध की प्रॉब्लम नहीं है, एम्पुटेशन ऑफ लिम, अंगों को काटने की बात नहीं हो रही है, नहीं, किसकी हो रही है सर, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की हिस्ट्री और सर्जरी की हिस्ट्री की बात हो रही है। बिल्कुल सही है कि जब से सर्जरी होना शुरू हुआ तो पहले कैसे सर्जरी होती थी, मेडिसिन उसका क्या था, और अब क्या हो रहा है, ठीक है ना। एनेस्थीसिया के डिस्कवरी होने से पहले की बात बताई गई है, ठीक है ना। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, पहले का सही आंसर सी है, और सर दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है, द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट मेंशन्ड द पैसेज, जो पैसेज में ट्रीटमेंट उपचार करने के जो तरीके अपनाए जाते थे वो यहाँ कैसे बताए गए हैं, बहुत ही डेयरिंग और करेजियस थे, या फिर बहुत ही बिग्ड बुरी तरह से, और फॉल माने गंदी तरीके से, नहीं, होमली मतलब बहुत आसान था घर पे होता था, नहीं, ब्रूटल का मतलब क्या होता है ये बताइए, बहुत प्यार से या बहुत आराम से, कि बहुत ही ज़्यादा क्रूअल तरीके से मजबूरी में टांग काट दी जाती थी, बंदा सामने ही होता था, वो बुरी तरह चल रहा होता था, लोग उसे पकड़ लेते थे जो डॉक्टर के असिस्टेंट होते थे, तो ये कैसा तरीका है बताइए, ये तरीका है बहुत ही ब्रूटल, मतलब निर्दय, क्रियोल का मतलब निर्दय, और ब्रूटल मतलब बहुत ही ज़्यादा डरावना, मतलब सर बहुत ही ज़्यादा निर्दय तरीके से। तो ये बताइएगा सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जिन्होंने नहीं पता है लिखिए डी इज़ द राइट आंसर, और सर थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जिन्हें नहीं पता है एक वर्ड आया एम्प्यूटेट, एम्प्यूटेट का मतलब होता है प्यारे बच्चे रिप्लेस, नहीं होगा, टू मेजर एक्यूरेटली ये भी नहीं होगा, सही आंसर होगा सर कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब होता है सर काट देना, एम्प्यूटेट एक वर्ब है, एम्प्यूटेशन एक नाउन है, क्लियर होगा होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया गया कि सर एनेस्थेसिया का क्या मतलब है यहाँ पर प्यारे साथियों, एनेस्थेटिक्स किसको रेफर करता है, कोई सब्सटेंस है दैट क्योर्स अ पेशेंट, जो पेशेंट को सही करता था, नहीं सर, एक ऐसा सब्सटेंस या एक विधि दैट मेक अ पेशेंट इम्यून टू पेन, हाँ एनेस्थेटिक्स का मतलब है आज के टाइम पर ये पेशेंट को क्या करता है, दर्द से छुटकारा मिल गया है, एनेस्थीसिया का मतलब है जो बॉडी को सुन्न कर दिया जाता है बेहोश करके, तो उसे दर्द फील नहीं होता है सर्जरी करते समय, और उसे कोई दिक्कत नहीं होती है, तो एक ऐसी विधि या पदार्थ नहीं कहेंगे यहाँ पर, एक ऐसा प्रोसेस है जो पेशेंट को दर्द से मुक्ति दिलाता है, मतलब रक्षा करता है, तो सर बी इज़ द राइट आंसर, सही आंसर क्या होने वाला है, बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्या होने वाला है, सर द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ पैसेज, पैसेज की शुरुआत में जो पहला पैरा है उसमें क्या बोला गया है, वो क्या सजेस्ट किया गया है, कि जो मेथड यूज थे टू कीप द पेशेंट क्वाइट ड्यूरिंग एंड ऑपरेशन फॉर साइंटिफिक, क्या पहले साइंटिफिक मेथड यूज होते थे, नहीं, द डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेटिक्स पुट एन एंड टू द ट्रेडिशनल मेथड, हाँ जब से एनेस्थीसिया की डिस्कवरी हुई ये उससे क्या हो गया, पुट एन एंड उस चीज़ का, किसका अंत हुआ, जो पुराने मेथड्स यूज़ किए जाते थे बहुत ही गंदे तरीके से, जो के पैसेज में डिस्क्राइब किए गए, अब उनका अंत हो चुका है। अब आप ये बताइए जब किसी का ऑपरेशन या सर्जरी होती है तो क्या उसे पेन होता है, नहीं, उसे पहले ही बेहोश कर दिया जाता है, और आराम से आप कुछ भी काट छाँट जो करने हैं वो आप कर सकते हैं, और उसे पूरा कंप्लीट ऑपरेशन होने के बाद में पता चलेगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो एनेस्थीसिया की डिस्कवरी ने सर जो ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत जो तरीके थे उनका अंत कर दिया, और अभी कोई दिक्कत नहीं होती है। फाइव क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे साथियों, डिजायरस,
याद रखिए डिजायरस एक एडजेक्टिव है, डिजायर एक वर्ब होती है और एक नाउन की तरह भी ट्रीट किया जाता है। तो प्यारे साथियों डिजायरस एक एडजेक्टिव है जिसके पीछे भी ओ यू एस आएगा वो एक एडजेक्टिव होगा, और डिजायरस एक ऐसा एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ आने वाला फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है। लिखिएगा बी इज द राइट आंसर, ओ एफ डिजायरस ऑफ, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, नोट डाउन करना शुरू करिए कॉपी पेन में प्लीज गाइज। तो डिजायरस का मतलब लिखिएगा, डिजायरस ऑफ का मतलब किसी चीज की इच्छा होना, का इच्छुक होना, ठीक है ना। सर मैं बहुत ही ज्यादा पढ़ने का इच्छुक, आई एम रियली डिजायरस ऑफ स्टडी और लाइक स्टडिंग, ठीक है ना। सर सेवन क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ही सेट, ये एक पूरा फ्रेज आपने सुना होगा, सर घर में आग लग गया, उसमें उसे आग लग गया, ठीक है ना, सेट ऑन फायर, उसने पूरा जला दिया। तो सेट ऑन फायर का मतलब उसने सब चीज़ें आग के हवाले कर दी, जला दी, सेट ऑन फायर, सेट्स ऑन फायर मतलब जला देना, आग लग जाना, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं, उसने आग लगा दी, सेट ऑन फायर बोलते हैं। इसे बिल्कुल आप नोट डाउन कर लीजिए, जब भी सेट और फायर दो वर्ड आ जाएँ तो बीच में क्या लगाना है, सेट ऑन फायर, ये फिक्स है, ये फ्रेज कह सकते हो, और इसे क्या कह सकते हैं हम लोग, फिक्स्ड फ्रेज है, ठीक है ना। सेट ऑन फायर इज द राइट आंसर प्यारे साथियों। एंड एट्थ क्वेश्चन क्या होने वाला है सर, अटेंड, जिन्हें नहीं पता हो मैं बता दूं, अटेंड के साथ में आने वाला फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होगा, सर मैंने पार्टी को अटेंड किया, आई अटेंडेड टू द पार्टी, प्यारे साथियों डी इज द राइट आंसर। अटेंड एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या लेगी, टू लेगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो टू, डी इज द राइट आंसर, अटेंडेड टू और अटेंड टू। ऑडियंस बहुत ही प्यारा वर्ड है, ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है, जिन्हें नहीं पता है ऑडियंस क्या है प्यारे साथियों, ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है, और आपको पता होगा ऑडियंस का मतलब होता है दर्शक। बहुत सारे जब भी आप मैच देखने जाते हो हम बोलते हैं ऑडियंस, ऑडिटोरियम में बैठे हैं मतलब दर्शक दीर्घ, तो ऑडिटोरियम ऑडियंस का मतलब है दर्शक। तो इसका ज्यूरी किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, ज्यूरी का मतलब लिखिए, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि पैनल ऑफ जजेस होता है, जजों के समूह को ज्यूरी बोलते हैं, पैनल ऑफ जजेस। कमेटी क्या होता है सर, ग्रुप ऑफ मेंबर्स या ग्रुप ऑफ, सॉरी क्या कहते हैं पीपल, कमेटी कब होती है, लोगों के समूह को। ऑडिशन किसे कहते हैं, ऑडिशन प्यारे बच्चों एक नाउन है, और ऑडिशन का मतलब जो आप परफॉर्म करते हैं उसे ऑडिशन बोलते हैं, और स्पेक्टेटर का मतलब भी होता है दर्शक। एक कलेक्टिव नाउन की तरह भी ट्रीट होता है, कॉमन नाउन की तरह भी ट्रीट होता है, इसलिए सर ए इज द राइट आंसर। नौवे क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं। मास केयर बहुत ही प्यारा वर्ड है, मैस केयर लिख लीजिए इसको, मैस केयर बहुत प्यारा वर्ड है सब। बहुत सारे ग्रुप में जब लोगों को मौत की जाती है, बहुत सारे ग्रुप में जब लोग मरते हैं, बड़े ग्रुप में, जैसे पाकिस्तान में हम रोज बोलते हैं सर मास केयर हुआ है, 50 लोग मरे हैं विस्फोट में, तो इसे हम बोलते हैं, शुद्ध हिंदी क्या है सर इसकी, जनसंहार। जनसंहार का मतलब बहुत बड़े ग्रुप में लोगों की मौत हुई है, या बहुत बड़े ग्रुप में लोगों को मारना या मरना, तो उसे हम बोलेंगे मास केयर। और मास केयर का मर्डर नहीं हो सकता, मर्डर किसी इंडिविजुअल का होता है, किल भी नहीं हो सकता। और सर स्लॉटर किसे कहते हैं, आपने सुना होगा, स्लॉटर का मतलब भी क्या है सर, मास संहार मतलब बड़े, मास मर्डर आपने एक शब्द सुना होगा, मास मर्डर, मास का मतलब है बड़े ग्रुप में, भीड़ में लोगों को मौत मारना, उसे हम बोलते हैं। एक और वर्ड आपने सुना होगा जीनोसाइड, जीनोसाइड का मतलब है द किलिंग ऑफ अ होल रेस और ग्रुप, जीनोसाइड का मतलब भी यही होता है मास केयर। तो सर बी इज द राइट आंसर। दसवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर इलेवन क्या होने वाला है, ही टेक्स वाइन, सर वो वाइन लेता है, क्या लेता है, ही टेक्स वाइन, वो वाइन पीता है, इसका हमें पैसे बॉयज बनाना है। तो ये बताइएगा ही एक सब्जेक्ट है, और यहाँ वाइन क्या है, वाइन प्यारे साथियों एक ऑब्जेक्ट है, ही एक सब्जेक्ट है, वाइन एक ऑब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बस आप इतना देख लीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो पैसे बनाया जाता है वो इज प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म करके, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, इसमें बीइंग आ रही है, नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा, यहाँ वांटेड कहाँ से आ गई है, ठीक है ना, वांटेड वर्ब है ही नहीं। तो अभी हम तीसरे ऑप्शन को देख लेते हैं क्या थियो, तो चलिए प्यारे साथियों अब हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ही टेक्स वाइन का हमें क्या बनाना था, आपने देख लिया होगा यहाँ ऑप्शन में 11वां क्वेश्चन क्या था, ही टेक्स वाइन, इसका पैसे बनाना है, तो ए आंसर होगा नहीं, बी आंसर भी गलत है, और सी आंसर क्या है, वाइन यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो प्यारे साथियों वाइन को सब्जेक्ट बनाया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव होता है इज एम आर प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, तो प्यारे साथियों सही आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, सी सेड टू श्याम, उसने लड़की ने श्याम से कहा, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वो एक बहुत ही प्यारा लड़का है मतलब ईमानदार लड़का है, तो प्यारे साथियों मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा,
प्यारे साथियों, आपको रटना नहीं होगा, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बस आपको ऑप्शंस देखने होते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सिंपल प्रेजेंट है, इसका सिंपल पास्ट बनाया जाएगा। और ये देख लीजिएगा बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में आस्क्ड आई है। यहाँ सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वो नॉर्मल सिंपल वाक्य है, इसलिए बी राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, सी क्यों नहीं होगा, ही सेड, इसने श्याम को गायब कर दिया, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ए इज द सेड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा दिया और ये पास्ट इंडेफिनिट बना दिया, दैट इज द राइट आंसर। एंड सर 13 क्वेश्चन क्या होने वाला है, ही आस्क्स राम मोहन इज माई ब्रदर, उसने राम से पूछा कि मोहन मेरा भाई है, इसका भी हमें क्या बनाना होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। तो प्यारे साथियों मुझे ये बताइएगा फटाफट से कि इसका क्या बनेगा, ही आस्क्स राम मोहन इज माई ब्रदर। यहाँ मैं ऑप्शंस के हिसाब से देखूंगा थोड़ा सा क्या है, आस्क्स यहाँ पे मोहन इज माई ब्रदर पहले कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, प्यारे साथियों सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आस्क डाल रही है, इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है ना, ही टेल्स, टेल्स यहाँ राम होगा कि नहीं, आस्क्स के बाद टू आती तो हम इसे टेल्स में चेंज कर सकते थे, इसलिए प्यारे साथियों यहाँ मुझे लगता है कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है ना, मोहन इज हिज ब्रदर, बाकी सब सही है। तो यहाँ आस्क्स का आस्क रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राम दैट मोहन इज हिज ब्रदर, यहाँ दैट लगा दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, और आंसर क्या होगा, ए। कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर आस्क्स क्यों किया गया है, यहाँ आस्क्स टू राम होता तो हम टेल्स कर सकते थे, हाँ कर सकते थे, बट ये चेंज नहीं होगा और इसलिए सेम बना रहेगा। सेड टू, सेज टू होता तो हम उसे आस्क या टेल्स में कर सकते थे, बट आस्क्स का आस्क ये रहेगा, इसलिए सही आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। और सर 14 क्वेश्चन का करेक्टली स्पेल्ड वर्ड या मिस स्पेल्ड आपको बताना है, पैसेंजर की सही स्पेलिंग क्या है, PASSENGER। प्यारे साथियों ये आंसर बिल्कुल गलत है, पैसेंजर का मतलब यात्री होता है, ये भी आंसर गलत है। और सर उसकी सही आंसर क्या होता है, बी इज द राइट आंसर, PASSENGER, पैसेंजर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन क्या होने वाला है, रेड लेटर डे, रेड लेटर डे, जिन्हें नहीं पता हो मैं बता दूं, रेड का मतलब है यहाँ मान लेते हैं ब्लड से खून, खून का कलर कैसा होता है, रेड, और एक ऐसा कोई भी लेटर जो खून से लिखा गया होगा तो ये बताइएगा वो लेटर नॉर्मली होगा या फिर बहुत ही उसका महत्व होगा, मतलब कुछ ऐसा रहा होगा जो यादगार चीज़ें होंगी। जब आप अपनी गर्लफ्रेंड्स को खून से खत लिखते हो तो आप कहते हो ये मेरी निशानी है। ठीक है ना, ऐसे हमेशा रखूँगा। रेड लेटर डे का मतलब है अ बैड डे और अ हिस्टोरिकल डे, सर बी इज़ द राइट आंसर। कोई भी ऐसा दिन जो इतिहास में याद रखा जाएगा, जैसे 15 अगस्त 1947 इज अ रेड लेटर डे इन इंडियन इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, समझ में आया कि नहीं आया। तो रेड लेटर डे का सही आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, क्लियर हुआ कि नहीं। आगे बढ़ते हैं सर 16, मोर देट, यहां देन नहीं है, पहले तो ये देन है, मोर देट नहीं है, मोर देन। 20 ईयर्स, सर 20 सालों से ज्यादा हैव पास्ट, 20 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, जब मैंने क्या किया था, व्हेन आई हैड माय फर्स्ट फ्लाइट, पहली बार जब मैंने फ्लाइट ली थी उसे आज 20 साल से भी ज़्यादा बात हो गई हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, याद रखिएगा जब भी कोई दो वाक्य, पहला वाला वाक्य किस में हो, पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट में हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, हैड है ये पास्ट परफेक्ट मत कहना, क्योंकि ये हैव की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म है, क्योंकि नाउन आ रही है। यदि ये पास्ट परफेक्ट होता हैड के साथ मेन वर्ब आती, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्यारे साथियों कभी भी याद रखिएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, सर जब से मैंने आर्मी ज्वाइन करी है, ठीक है ना, व्हेन आई ज्वाइंड आर्मी आई हैव नॉट टेकन एनी लीव, मैंने कोई छुट्टी नहीं ली है। तो यहाँ सिंस लगाते हैं जब भी कोई एक वाक्य यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, और यदि आपको कभी कोई कंजंक्शन पूछा जाए, प्रीपोजिशन पूछा जाएगा, तो उस केस में आपको क्या लगाना है, सिंस, क्योंकि यहाँ समय को स्थिति को दर्शाया जा रहा है। मोर देन 20 ईयर्स हैव पास्ट, सर जब से मैंने फर्स्ट फ्लाइट ले दी तब से आज उनको 20 साल गुजर चुके हैं, वैन नहीं आ सकती, बिफोर नहीं आएगी, और सही आंसर क्या होगा, 100% बी इज द राइट आंसर, क्लियर हुआ कि नहीं। सर क्लिफ का प्लूरल क्या होता है, क्लिफ का मतलब होता है प्यारे साथियों चट्टान, और क्लिफ एक ऐसा नाउन है जिसमें एफ को हटा के वी ई एस लगाएंगे कि केवल एस लगाएंगे, इसलिए ए इज द राइट आंसर, क्लिफ का प्लूरल होगा क्लिफ्स, क्लियर हुआ कि नहीं। और सर स्मोकिंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस किसे कहते हैं प्यारे साथियों, एक एडजेक्टिव है और एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है, क्या आता है, जब आप सुबह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या लेके आते हैं, खैनी खरीद के लाते हैं, वो कहती है कि मुझे क्या दे जाना, बिमल दे जाना, ठीक है ना, तो प्यारे साथी उस पर क्या लिखा रहता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या जब भी आप अपने लिए कोई बीड़ी का बंडल लेके आते हो कि सर धुआं फूंकना है,
तो प्यारे साथियों इंजूरियस के साथ क्या आएगा वहां पे, टू आता है इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 18 का बी इज द राइट आंसर। एंड सर 19 क्वेश्चन क्या होने वाला है प्यारे साथियों, हॉर्स एंड कैरेज एट द डोर। सर दरवाजे पर गाड़ी, अब तुम सोचोगे कि हॉर्स और कैरेज अलग अलग सब्जेक्ट हैं, हॉर्स मतलब घोड़ा, कैरेज मतलब लाने वाली गाड़ी, नहीं ये पूरी बैलगाड़ी को ही, बुलक कार्ट जो होती है बैलगाड़ी को ही हम यह हॉर्स एंड कैरेज बोलते हैं, और इसलिए इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी, प्लूरल के सिंगुलर प्यारे साथियों, वो वर्ब होगी कैसी, सिंगुलर वर्ब होगी, याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा बताइए फटाफट से, इसका सही आंसर होगा सर हॉर्स एंड कैरेज घर पर आ चुकी है, मतलब गाड़ी आ गई है, तो यहाँ वर नहीं लगाएंगे क्योंकि पास्ट की बात नहीं हो रही है, या क्या कहेंगे मतलब घोड़ा गाड़ी क्या है, आर नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि सर यहां पे ये प्लूरल नहीं है, हैव नहीं आएगी, प्लूरल नहीं है, हॉर्स एंड कैरेज एट द डोर घर पर ही कल आ गए हैं और यहां समय दिया गया, इसलिए यहां क्या लगाएंगे, हॉर्स एंड कैरेज वर एट द डोर और इज एट द डोर, सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, तो यहां सही आंसर होगा वर किसके लिए आती है, सिंगुलर या प्लूरल, प्यारे बच्चों यहां आती है प्लूरल के लिए, इसलिए ये भी नहीं होगा, तो सही आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। ये एक ही चीज़ है बैलगाड़ी को बोलते हैं। और सर 20 क्वेश्चंस क्या होने वाला है, वो 5 घंटे से सर पढ़ रहा है, जब भी समय दिया जाए सिंस और 4+ का टाइम दिया जाए, तो प्यारे साथी उसे हम हैज़ बीन और हैव बीन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहेंगे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ए आंसर नहीं होगा, हैज़ के साथ रीडिंग नहीं आ सकती, इसके साथ रीडिंग कंटिन्यूअस में आती है, समय नहीं होना चाहिए, तो सही आंसर क्या होगा 20 क्वेश्चन का बी इज द राइट आंसर। जब भी सिंस और फोर दिया जाएगा उसके साथ टाइम दिया जाएगा तो उसे हम हैज़ बीन और हैव बीन लगा के जीरंड लगाएंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। और सर यहाँ 20 क्वेश्चन क्या होने वाला है, 21 वेनेवोलेंट एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, वेनेवोलेंट किसे कहते हैं जिन्हें नहीं पता है, बेनी बाबा दयालु या अवतार हैं, एक एडजेक्टिव है क्योंकि पीछे ENT आ रही है, वेनेवोलेंट एक एडजेक्टिव है, और वेनेवोलेंट का मतलब होता है जिस बंदे का दिल कैसा हो, बहुत ही क्रूअल का उदार हो, सर ये बंदा बहुत ही काइंड हार्टेड है, सर बहुत ही ज़्यादा क्या है मॉडेस्ट है, उदार है, इसका दिल बहुत बड़ा है सर, तो क्या बोलेंगे उसे, यूजलेस नहीं होगा इसका अपोजिट। जीनियल किसे कहते हैं जिन्हें नहीं पता है, क्यों नहीं होगा, जीनियल का मतलब होता है हसमुख, जो सारे दिन हंसता रहता है, कॉर्डियल, जो बंदा कॉर्डियल नेचर का हसमुख, इसलिए ये भी नहीं होगा। ब्रीफ किसे कहते हैं सर, अधिकारों को छीन लेना, सर ब्रीफ फ्रॉम या ऑफ, सर मैंने उसके सारे अधिकार वंचित कर दिया है, मैंने उसे घर से सर अलग कर दिया, वंचित कर लेना, छीन लेना। और मेलबोलेंट का मतलब होता है सर बहुत ही ज़्यादा एविल, मतलब बहुत ही क्या क्रूअल टाइप का, जो बंदा कैसा होता है बहुत ही ज़्यादा क्रूअल टाइप का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, उसे हम बोलते हैं एविल नेचर का मेलबोलेंट। तो मेलबोलेंट का उल्टा क्या हुआ, डी इज़ द राइट आंसर। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 ही फिनिश्ड फर्स्ट, उसने पहले ही ख़त्म कर लिया था, मतलब पहले ही ख़त्म कर लिया, ही हैड बिगिन लेट, ठीक है ना, यद्यपि उसने लेट शुरू किया था, ये वाक्य है पास्ट परफेक्ट में और ये है पास्ट इंडेफिनिट में। जब भी कोई दो सेंटेंस आपको याद होगा पास्ट में कहानी कहते हैं, तो पहले वाले काम को पास्ट परफेक्ट में कहते हैं, दूसरे को पास्ट इंडेफिनिट में। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, कैसे बोलेंगे सर, द डॉक्टर द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ओके, पहले पेशेंट क्या है मर चुका है, उसके बाद डॉक्टर आया है, तो पहले उसने काम शुरू करने से पहले ही, मतलब देर से शुरू किया था लेकिन खत्म पहले ही कर लिया है, तो यहां इफ सही रहेगा कि दो, यद्यपि सर यद्यपि उसने काम देर से शुरू किया था बट उसने फिनिश पहले ही कर लिया, सेंस के अकॉर्डिंग डी इज द राइट आंसर। और सर कलेक्शन ऑफ स्टिक्स, बहुत सारी छड़ियों के लकड़ियों के समूह को क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टिक्स क्या कहलाता है, बहुत सारे जब आप क्या करते हैं, ठीक है ना, कहीं भी खेत पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं और वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी रहती हैं, तो मम्मा आपके बोलते हैं बेटा लकड़ियों को बांध के ले आना, तो आप क्या बनाते हैं, उसका एक गट्ठर बनाते हैं और आप उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रुप नहीं बोलते, ग्रुप लोगों का हो सकता है, हे मतलब होती है सूखी घास जो गट्ठर में होती है, उसे भी नहीं बोल सकते। स्ट्रो का मतलब होता है बहुत सारे तिनके टाइप के, तिनके का मतलब है यहाँ पे लाइक चीज़ों का, स्ट्रो का मतलब है समूह चीज़ों का, ठीक है ना। और बंडल किसे कहते हैं, लकड़ियों के गट्ठर को क्या बोलते हैं, बंडल बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन है, और इसलिए सही आंसर क्या होगा 23 का बी इज द राइट आंसर। एंड सर 24 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ही इज काइंड टू हेल्प एनीवन, वो किसी की सहायता करने के लिए, काइंड मतलब बहुत ही पर्याप्त है सर उसके पास, ठीक है ना, ही इज काइंड, बहुत ही दयालु है वो, मतलब काइंड मच क्यों नहीं होगा, क्यों काइंड के साथ में मच नहीं आएगा, मच और मैनी मोर ये इसलिए यूज नहीं होंगे क्योंकि काइंड ऑलरेडी एक एडजेक्टिव है
और सर जब भी किसी एडजेक्टिव के बाद में हमें ये बताना हो कि हाँ काफ़ी वो काफ़ी उसमें दयालु है, दयालुता है, उदारता है, वो किसी की भी सहायता कर सकता है सर, तो उसके लिए क्या सेंस लगाएंगे? काइंड एनफ और एनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद में आएगा और सरप्लसनेस को दिखाने के लिए आता है, मतलब एडिक्वेसी को दिखाने के लिए आता है। तो ही इज़ काइंड मच टू हेल्प एनी वन या काइंड एनफ? सर ही इज़ काइंड एनफ टू हेल्प एनी वन। जैसे हम बोलते हैं सर ही इज़ ऑनेस्ट एनफ, वो बहुत ही ईमानदार है, बहुत हद तक ईमानदार है। तो 24 का सी इज़ द राइट आंसर। याद रखना एनफ एक एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब का भी काम करता है। जब एडजेक्टिव के बाद में आएगा तो ये एडवर्ब कहलाएगा और जब नाउन से पहले आएगा तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। मेरे पास पर्याप्त मनी है, आई हैव एनफ मनी। मनी से पहले एनफ आएगा तो वो क्या होगा सर? नाउन से पहले एनफ आएगा तो वो एडजेक्टिव होगा। और लास्ट क्वेश्चन सर, कैन अ मैन लिव फॉर एवर? क्या आदमी फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है? इसका सही आंसर बताना है असर्टिव। असर्टिव का मतलब इसका प्रॉपर पॉजिटिव सेंस बताना है। क्या एक आदमी हमेशा पूरी जिंदगी मतलब जिंदा रह सकता है? क्या एक आदमी अमर हो सकता है? तो रह सकता है कि नहीं, ये कह रहा है रह सकता है, गलत है। एक आदमी हमेशा जिंदा, जिसने भी जन्म लिया उसको मरना है प्यारे साथियों। मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल इसका मतलब है आदमी नाशवान है। जिसने जन्म लिया है, जिसकी सांसें चल रही हैं, उसका एक दिन अंत होना है। और इसलिए 25 का सही आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। तो प्लीज गाइस, आज का वीडियो और आज का पेपर आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर शेयर किया करें, जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये पेपर बेनिफिशियल हैं कि नहीं, कहाँ गलती हुई और आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं उसे और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी बता रहा हूँ कि मैं ये टेस्ट आपको बहुत जल्दी लाइव क्लासेस में कराने वाला हूँ, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो बस थोड़ा सा वेट करिएगा और प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगता है प्यारे साथियों। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो सर मेरे अंदर कोई चीज कुछ बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए मान रहे हैं कि सर ये सर्वे पहली होती होगा, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।